काफी मतलब अच्छा लगा। मैं लोग अमूल से काफी साल से, मैं अमूल से 35 साल अमूल में काम किया। मैं पहला नौकरी अमूल में था, रिटायर्ड भी वहीं से हुआ। मैं गुजरात में रहता, ये बहुत खुशी हुई कि आप सबका भी योगदान है अमूल को आगे बढ़ाने। ठीक है ना। अब जो मिल्क प्रोडक्शन है, आप सब तो गांव ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ज्यादा आपको मैं बोर नहीं करना चाहूंगा कि कैसे हो क्या। टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में अभी नंबर कौन सा है दूध का, मतलब प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री नंबर वन पे है? टोटल उत्पादन जो होता है दूध में, आपको पता है किसी को? नहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? दुनिया में आपकी जानकारी के लिए हमारा देश, तालियां बजाइए, सबसे आगे है। 10 साल पहले अमेरिका था, अब भारत सबसे आगे है मिल्क प्रोडक्शन में। तकरीबन 18.5 से 19 करोड़ लीटर दूध रोजाना उत्पादन होता है। ज्यादातर इसमें 55% पहले 70% भैंस का दूध होता था, अब 55-57% भैंस का दूध है, दूसरा गाय का। और कौन सा स्टेट मतलब राज्य हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता हो, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4.25 करोड़ लीटर दूध रोजाना उत्पादन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका मतलब ये है कि और आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है। देखो प्रोडक्शन में कब आगे होती है, कोई भी संस्था, कोई भी विलेज, कोई भी तहसील, कोई भी राज्य के, वहाँ के सबसे पहले होता है नस्ल अच्छी हो। ज़्यादातर किसान भाई पशुधन रखते हो, अच्छी तरह संभालते हो, सिर्फ नस्ल से नहीं होता, उसकी साफ संभाल बाद में हम जो ट्रेनिंग करेंगे यही बातें बताएंगे। ये कैसे खिलाते हो, कैसे उसका डिजीज कंट्रोल होता है, ये सब बातें होती है ना। आप सचिव लोगों को तो पता ही है, ये लड़कों को भी पता लग जाएगा, काफी लोगों को पता होगा, तो ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो दूसरा क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन की जब बात आती है, अब गवर्नमेंट भी काफी इसमें सहाय कर रही है। अब HCL जैसी कंपनियां, उनके फाउंडेशन है, ये भी सहाय कर रही है ना। गवर्नमेंट इसमें डेयरी उत्पादन बढ़ाने में किसानों को हेल्प मिले, उनका प्रोडक्शन बढ़े, आमदनी बढ़े, तो काफी कुछ योजनाएं चला रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एपेक्स बॉडी है, जो सरकारी क्षेत्र में जो भी डेयरीज काम करती है वो उनको गाइडेंस देती है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं तो इसमें हेल्प करती है। और जो दूध अब इकट्ठा होता है, तो जो मैंने क्वांटिटी बताई, उसमें से किसान के घर में या तो जो दूध उत्पादक है वो 1/3 दूध 1/3 मिल्क।